नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और लद्दाख से आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जिस तरीके से भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव है, वो परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। गलवान घाटी खासकर जहां पर 15 तारीख की घटना हुई थी, हालांकि उसके बाद से कमोवेश तनाव तो है लेकिन किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर वहां से नहीं आई है। चीन जो है वो अतिरिक्त सतर्क है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जिस तरह का आक्रमण उसने भारत पर बोला था उसे उस तरह का पलटवार सहना पड़ेगा कि लगभग दोगुने सैनिक वो गवा देगा। लेकिन आज भी कोशिश ये चल रही है कि किसी तरीके से बातचीत से ही सही ये मामला सुलझे। इस बीच भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना अपनी तैनाती में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सैन्य नीति के हिसाब से पहले दिन से यह तय था कि चीन जितने भी सैनिक अपने डिप्लॉय करेगा, भारत उसकी संख्या को मैच करेगा, क्योंकि जब भी इस तरह के टेरेन होते हैं वहां पर बहुत जरूरी होता है कि सैनिकों की संख्या में आप कहीं से भी कम नहीं पड़े। दूसरी चीज ये होती है कि जहां पर हथियारों को लेकर बंदिशें होती हैं वहां भी संख्या हूबहू वही होनी चाहिए, वरना अगर गुत्थम गुत्था की लड़ाई की स्थिति आती है तो जिस सेना के पास संख्या होगा उसके भारी पड़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। हालांकि भारतीय सेना ने ऐतिहासिक तौर पर कई बार यह साबित करके दिखाया है कि वो इस सबसे कहीं आगे है। इसके बावजूद पूरी जो रणनीति है वो इस हिसाब से बनाई जा रही है कि कहीं भी उकसावा न नजर आए, लेकिन चीन कहीं से भी ऐसा सोच भी ना सके कि वो भारत की ओर आंखें उठाकर देख सकता है। इस समय भारतीय सेना की जो तैनाती है और भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं और साथ में जो छूट मिली है गोली चलाने की, वो बहुत कुछ कहती है हमारी शक्ति के बारे में। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। न प्रोटोकॉल की परवाह होगी, न संधि समझौतों की बंदिश होगी। चीन ने अगर हिमाकत की तो पलक झपकते ही चीन को गुस्ताखी का जवाब गोली से मिलेगा। चीन की सेना अच्छी तरह सुन ले, वो इस बहकावे में न रहे कि भारतीय सेना हथियारों से वार नहीं करेगी। जी हां, सरकार ने सेना के जवानों को समझौते की बेड़ियों से आजाद कर दिया है। अब चीन को फरेब का जवाब फायरिंग से मिलेगा। चीन ने अगर आंखें दिखाने की कोशिश की तो सेना के जवान गोली चलाने से हिचकेंगे नहीं। सूत्रों से खबर है कि अगर अब चीन ने कोई हिमाकत की तो हथियार न चलाने के प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की जाएगी। हालात गंभीर हों तो सेना हथियार उठाने से नहीं चूकेगी। इसके लिए फील्ड कमांडर को छूट दी गई है कि वो स्थिति के मुताबिक हथियारों के इस्तेमाल का फैसला ले सकते हैं। अगर जान बचाने के लिए फायरिंग ही आखिरी उपाय होगा तो सेना के जवान हथियार उठाने में देर नहीं करेंगे। भारत और चीन के बीच भले ही ये समझौता है कि गोलियां नहीं चलेंगी दोनों के बीच, लेकिन अगर चीन उसका सम्मान नहीं करता है तो भारतीय सेना को वो आजादी देनी ही थी। भारत सरकार ने इस समय यह फैसला कर लिया है कि अगर जरूरत पड़ी, यानी चीनी अगर हमारी सीमा में घुसने के आप प्रयास करते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, या फिर किसी सैनिक के ऊपर एक खतरा रहता है उसकी जान पर, तो आप गोली चला सकते हैं, गोली का इस्तेमाल हो सकता है। जवानों को प्रोटोकॉल की पाबंदियों से मुक्त करके सेना का बड़ा काम आसान कर दिया है। अब चीन धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि गलवान घाटी में चीन ने हथियार न चलाने की पाबंदियों का ही फायदा उठाया और धोखे से हमला किया। बिना हथियार के भी सेना के जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। दरअसल भारत और चीन के बीच 1996 और 2005 के समझौतों के मुताबिक LSE में टकराव के दौरान दोनों सेनाएं एक दूसरे पर गोली नहीं चलाती। भारत का धैर्य टूट चुका है। PLA चाइना ने धोखा दिया है, ट्रेचरी किया है,
उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन से निपटने के लिए समझौतों की सीमा हटाकर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो चीन की किसी भी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। आ लक्ष्य साधन लो नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व लो तपकुंडा भारत प्रभुत्वम भारतीय सैनिकులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వేచ్ఛని ఇచ్చింది। सेना को एक्शन की आजादी का फैसला कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग में हुआ, जिसमें CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बनी। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। जहां तक सवाल है देश के सम्मान का, देश की सुरक्षा का, इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे और न करने का कोई सवाल पैदा। मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकार और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। पुरानी संधियों की आड़ में जो धोखेबाजी की दीवार चीन ने खड़ी की, उसे ध्वस्त करना अब सेना के लिए आसान होगा। चीन को साफ संदेश जा चुका है। इन स्पाइट ऑफ अनएक्सेप्टेबल चाइनीज एक्शन आफ्टर एग्रीमेंट्स रीच्ड ड्यूरिंग मिलिट्री टॉक्स एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ लाइफ, ऑल एफर्ट्स आर अंडरवे टू एंश्योर दैट द करंट सिचुएशन एट LAC is resolved peacefully, but it should be very clear that we are well prepared and suitably disposed। गलवान में गदर के बाद ये सवाल उठे थे कि हमारे जवान निहत्थे क्यों थे, जिस पर सरकार ने सफाई दी थी कि वो हथियारों से लैस थे लेकिन समझौतों से बंधे थे। अब इस बंधन से सरकार ने सेना को मुक्त कर दिया है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।